हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक और हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, स्वीट कॉर्न पुलाव, जो बहुत ही ज़्यादा खिला खिला बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसमें हम बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया एक भुट्टा, ये फ्रेश भुट्टा है, इसको लेकर मैं इसे छिल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। छिलका उतारने के बाद मैं इसके जो दाने हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ दो टुकड़े कर। यहाँ पे मैं फ्रेश कॉर्न का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो स्वीट कॉर्न जो मार्केट में मिलते हैं फ्रोज़न वाले, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी सीज़न है, अवेलेबल है, इसलिए मैं ये वाले कॉर्न का यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैंने भुट्टे को छिल लिया है, उसके बाद मैंने इस तरीके से वॉश करके इनको अलग कर लिया है। तो स्मॉल कटोरी से ये दो कटोरी है, अदरवाइज़ ये एक भुट्टा है। अब ये हैं चावल, हाफ कीजिए ग्लास से, ये डेढ़ ग्लास चावल है, ये बासमती राइस है। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करके अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। उसके अलावा ये है एक प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू, धनिया पत्ती और पुदीना। और सूखे मसालों में शाही जीरा, तेज़पत्ता, काली मिर्च, फूल चक्र, दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, और ये है घी और नमक। तो मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो इस ग्लास से मैंने डेढ़ ग्लास चावल लिया था, तो मैं यहाँ पे दो ग्लास पानी ले रही हूँ, क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैं पानी कम ले रही हूँ, और बासमती राइस होने की वजह से मैं पानी का यूज़ कम कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल राइस यूज़ कर रहे हैं और कुकर में बना रहे हैं तो आप ढाई ग्लास पानी यूज़ करना। अब ये पानी मैं बॉईल होने रख दे रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने रखा है एक कुकर, उसमें मैं डाल रही हूँ दो टीस्पून घी। घी की जगह आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, या एक टीस्पून घी एक टीस्पून ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने घी डाला है, घी जैसे मेल्ट हो गया उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। सूखे मसाले तीन छोटी इलायची, दो बड़ी इलायची, दो फूल चक्र, दालचीनी, तीन लौंग है, दो तेज़पत्ता है, और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शाही जीरा। अगर आपके पास शाही जीरा नहीं है तो आप नॉर्मल जीरा का भी यूज़ कर सकते हैं, और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐड कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लंबा कटा प्याज। प्याज डालकर इसको मैं थोड़ा सा और भून रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भून जाएगा उसके बाद इसमें हम डालेंगे लंबा कटा हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने तीन हरी मिर्च का यूज़ किया है। और इसको थोड़ा सा भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना। पुदीना डालने से चावल का टेस्ट अच्छा रहेगा और इजीली डाइजेस्ट भी होगा। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश भुट्टा। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी भुट्टा डालकर इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करते हुए भुनना है। ये फ्रेश भुट्टा है इसलिए थोड़ा सा हमें पकाना ज़रूरी है। तो अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि जो भुट्टा है वो जल्दी पक जाए। तो मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डाल के इसे मैं एक बार और अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक धीमी आँच पर इसे हम लोग ढक के पकने रख देंगे, और बीच बीच में इसको मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे कुकर में ना लगे। अभी मैंने इसे 4 मिनट तक धीमी आंच पे पका लिया है, कॉर्न ऑलमोस्ट पक गए। अगर हम लोग मार्केट का कॉर्न यूज़ कर रहे हैं फ्रोज़न वाला, तो हमें ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक बार हम लोग मिक्स करके उसके बाद इसमें बाकी स्पाइसेस डाल के राइस डाल सकते हैं, बट ये फ्रेश भुट्टा है इसलिए इसे थोड़ा भुनना पड़ रहा है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले नहीं डाला, क्योंकि पहले डालेंगे तो वो नीचे बर्तन में चिपक जाएगा, इसलिए मैंने अभी डाला है। डालकर इसे और 2 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें धुले हुए बासमती चावल डाल रही हूँ। आप चाहो तो आप जो रेगुलर राइस खाते उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें डाला है चावल को। चावल को डालकर इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, पर मिक्स करते समय हमें ये ध्यान देना है कि इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। अगर हम लोग एकदम स्पीडली और प्रेशर के साथ इसे मिक्स करेंगे तो जो चावल के दाने हैं वो टूट जाएंगे, इसलिए हमें इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। और मैं कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैंने इसे भीगने नहीं रखा है, मैंने तुरंत वॉश किया है और तुरंत यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि भुट्टे में भी हमने ऑलरेडी नमक डाला था। अभी मैंने इनको ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं गर्म पानी। इसमें हमें गर्म पानी का ही यूज़ करना है। ये गर्म पानी 2 ग्लास है और चावल 1.5 ग्लास है।
कुकर में बना रहे हैं इसलिए हमने कम पानी डाला है। तो अब पानी डाल के इसे एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसको और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बिरयानी मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ रही हूँ। नींबू निचोड़ने से चावल खिले खिले बनते हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप एक टीस्पून विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नींबू डालकर मैं इसको एक बार और मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हम लोग सिर्फ एक ही सीटी आते तक पकाएंगे। एक सीटी के बाद प्रेशर अपने आप ठंडा होने देना है। अगर एक सीटी से ज़्यादा पकाएंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा। तो इसको मैंने सीटी लगा के सिर्फ एक ही सीटी होने दिया है। एक सीटी जैसे ही हो गया उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ऑफ करके कुकर को अपने आप ठंडा होने दिया है। अब प्रेशर कुकर में से पूरा प्रेशर निकल गया है। अब मैं इसका ढक्कन निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं चावल एकदम खिले खिले बने हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ स्वीट कॉर्न को यूज़ किया है, मैंने और मसाले नहीं डाले। अदरवाइज़ स्वीट कॉर्न का जो फ्लेवर है वो राइस में नहीं आएगा, इसलिए। अब मैं आपको चावल मिक्स करके दिखा रही हूँ। आप देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। अगर आप पानी जितना मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग डालोगे तो डेफिनेटली आपके चावल भी खिले खिले बनेंगे। बट अगर आप थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा डालोगे तो चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। अब आप भी ये स्वीट कॉर्न पुलाव ज़रूर बनाइए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।